गाइस कैसे हैं सब लोग, आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरा पेपर है 8 बजे से और अभी बज रहे हैं 7:30, तो अब मैं निकल रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने रूम से और जा रहा हूँ साथ वाले के पास, क्योंकि कॉलेज है बहुत दूर, करीब 5 या 6 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा कि साथ वाले की बाइक ले जाके जाऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ साथ वाले के पास, वहाँ पहुँच के मिलता हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ अभी अपने साथ वाले की दुकान में। ये मेरे साथ वाले की दुकान, जो कि चंपावत के खटकना पुल के निकट है। इसका नाम है धैर्य हरकौल फल सब्जी भंडार। तो चलो उससे मिलाते हैं आपको। हेलो भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? ये मन्नू, हेलो। इसकी दुकान है, यहाँ सब सामान सही सही मिल जाएगा, नहीं आ जाना सामान ले जाने, ठीक है? तो हम जाएंगे अब कॉलेज, तो चलते हैं मन्नू की बाइक में, आपको दिखाते हैं मन्नू की बाइक। तो गाइस ये है मन्नू की बाइक और ये इसने स्टार्ट कर ली है, तो अब हम चल रहे हैं कॉलेज की ओर। चल लो भाई। पहाड़ों में सुबह सुबह 7:30-8 बजे के टाइम में ऐसे बाइक में राइड करने का मजा ही कुछ और है, और वो भी मन्नू की बाइक हो, उसमें तो और ही मजा है। क्या हॉर्न खराब हो गया? हाँ यार, अब इसमें हॉर्न सही कर लेंगे इसको। आज ले आते हैं इसको सर्विस सेंटर और इसकी थोड़ी बहुत सर्विसिंग करवाते हैं। गाइस तो ये है जीवन अनमोल हॉस्पिटल, जो कि टनकपुर रोड में है, और सुबह सुबह बाइक में मजे लेते हुए दोनों भाई। चालान नहीं होगा यार, तेरा भाई है तो सही, सब संभाल लेगा। ये रूट है टनकपुर टू चंपावत रूट। अब यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं पुलिस लाइन, जहाँ पे आजकल पुलिस की भर्ती हो रही है। तो बहुत सारे लोग, जब मैं सुबह दौड़ने जाता हूँ तो दूर दूर से आते हैं, लोहाघाट पंचेश्वर साइड से आते हैं और पूछते हैं पुलिस लाइन। तो देख लो भाई लोग, ये लोग जो जो पुलिस की भर्ती देने आओगे इसके बाद, तो यहाँ पे को है पुलिस लाइन। ये पुलिस लाइन का यहाँ पे को गेट है, बट जो भर्ती हो रही है वो सामने ग्राउंड में होती है। अब यहाँ से ग्राउंड तो दिखना मुश्किल है, बट ट्राई जरूर करेंगे आगे से दिखाने का अगर दिख जाए तो। गाइस वो पीछे दिख रहा होगा छोटा सा ग्राउंड, दूर से छोटा दिख रहा है बट पास जाके सही है। तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं कॉलेज को पेपर देने। आज वैसे इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, जिसकी क्लास बहुत कम अटेंड कर रखी है, तो अगर मैम दिख जाती है तो कुछ ना कुछ कहेंगी ज़रूर, बट तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा, है ना गाइस। तो कुछ ऐसा लग रहा है बाहर तरफ से, हमारा कॉलेज कुछ ऐसा लग रहा है दूर से, पीछे बहुत भी बिल्डिंग है, बट ये मेन बिल्डिंग थी कॉलेज की। तो ये हमारा कॉलेज का गेट। गाइस मैंने बताया था कि आपको आज एग्जाम है, जिस वजह से फोन अंदर नहीं ले जाने दिया और कॉलेज के अंदर का सीन मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार बनाएंगे कॉलेज के अंदर का व्लॉग, जिसमें साथ वाले भी होंगे और मस्त मजे करेंगे। एवरीवन अब ऐसा हो गया कि साथ वाला चले गया है कॉलेज, उसका कॉलेज है लोहाघाट, मैं रहता हूँ चंपावत में, तो अब यहाँ से कॉलेज से अब पैदल जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर। अभी मैं पहुँचा हूँ कॉलेज से 1 किलोमीटर करीब दूर, जहाँ पे तो होटल गणपति प्लेस है। अगर आप चंपावत से बाहर के हैं तो यहाँ पे रेंट पर रुक सकते हैं। गाइस पुलिस लाइन के जिस फील्ड के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ आजकल पुलिस की भर्ती हो रही है, ये फील्ड के सामने है, बहुत ही अच्छा फील्ड है ये। गाइस तो यहाँ पे को है कोतवाली चंपावत जनपद की,
थाना है यहाँ पे वो। तो कॉलेज से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे पहुँच कर हमें मिले एक दादा, जिन्होंने हमें दी लिफ्ट और हम उनके साथ गए मार्केट की ओर को। थैंक यू दा। और ये दादा जाते हुए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।